देश के हालात जिस तरह से इस वक्त है वो किस ओर जा रहे हैं। तो सर पलवल जी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और देश के क्या हालात होंगे, सब दिख ही रहा है, जनता परेशान है, खासकर जो गरीब तबका है, दलित, मुस्लिम महिलाएं सब त्रस्त है। बाकी नेता और जो देश और सरकार चला रहे हैं वो मस्त हैं, तो यही देश का लबुलुआब है। हाल जाके देख लीजिए, अभी बैंक में कितनी लाइन लगी हुई, तो तरह तरह के ये सब स्टंट हो रहे हैं। खास स्टंट होने के पीछे भी एक लॉजिक है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में वंचित जमात का, खासकर दलित और मुस्लिम में पॉलिटिकल कंसेंसस, राजनीतिक चेतना का उभार हुआ है, तो उसको तो गुमराह करने के लिए, उसको दबाने के लिए जो राज सत्ता है वो तरह तरह की लीला करती है। आपको याद होगा कि जब रोहित बुमला का जब पूरा जो कांड हुआ था और पूरे देश भर में एक दलित उभार था और जितने प्रगतिशील लोग थे इस आंदोलन में शामिल थे, मैं भी था, मैंने किताब भी लिखी और कितने रोहित, तो उस समय देखें श्री रविशंकर यहाँ जमुना के किनारे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, बीच में देखेंगे स्वामी स्वरूपानंद कुछ बोल देंगे, कभी रामदेव कुछ आ जाएँ कुछ एजेंडा लेकर। तो बेसिकली जो मूवमेंट है उसको गुमराह करने के लिए तरह, इसी मुद्रा संकट को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी आंदोलन तेज हुए हैं ऊना को लेकर, और विश्वविद्यालयों में खास तौर से दलितों का दमन जिस तरीके से हो रहा है, तो चाहे लखनऊ का मामला हो, चाहे पटना का मामला हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का इशू हो, छात्रों का, शिक्षकों का, वैसे लोग जो व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं, वैसे लोग जो अपने अधिकारों के लिए सजग हो रहे हैं, उन लोगों का लगातार दमन हो रहा है। और जितना दमन हो रहा है वो अच्छी बात यह है कि लोग अब बाहर निकल रहे हैं, डर नहीं रहे हैं और ये चुनौती पेश कर रहे हैं। तो इन चुनौती से निपटने के लिए राजसत्ता की अपनी लीला होती है, तो लीला में नोटबंदी भी एक लीला है, सर्जिकल स्ट्राइक भी एक लीला था, उनका चलता रहता है कार्यक्रम। यही है देश के हालात। यूपी चुनाव आ रहा है और दलित मुस्लिम फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो निश्चित को देखिए, रियल सेकुलर कॉम्बिनेशन तो यही बनेगा, दलित और मुस्लिम। और देश और समाज को अभी तय करना है कि उनको चुनना पड़ेगा कि फर्जी सेकुलर कौन है और रियल सेकुलर कौन है। क्या धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक जुमला मात्र है जो इलेक्शन के समय बार बार उभर के आता है और उसके बाद गायब हो जाता है? आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, इस देश में दलितों की और मुसलमानों की स्थिति एक ही जैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो ये तो गठबंधन बनेगा, और ये एक सिर्फ यूपी चुनाव में ही नहीं, ये पूरे देश भर में बनेगा। क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो अनुभव है कि जहाँ भी सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस को जो मुस्लिम वोट दे रहे हैं वो स्वेच्छा से नहीं डर के वोट दे रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा खेल है, नेताओं को देखिए, कुछ नेता ओवरनाइट शिफ्ट करते हैं, तो कांग्रेस गठबंधन में जाएंगे यूपीए में तो पता नहीं कैसे ओवरनाइट सेकुलर हो जाते हैं, और ओवरनाइट इधर भी शिफ्ट कर जाते हैं। तो हमारा, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो यंगस्टर खासकर युवा पीढ़ी 25 से लेकर 40 45 50 के बीच के जो लोग हैं, हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता कोई राजनीतिक जुमला नहीं है, हमारे लिए ये संस्कार है, ये इसका इलेक्शन से लेना देना संस्कार है। और मेरे गांव में आधी आबादी मुस्लिम की है, और जब मैं दिल्ली आया था तो हमारे ही गाँव के एक इस्माइल चाचा ने मुझे अपने घर रखा था, तकरीबन एक महीने खाना खिलाया था और दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU का तमाम जगह घुमा घुमा के स्कूटर पर दिखाया था कि ये कॉलेज है। तो हम तो उस संस्कृति में, उस संस्कार में पले बढ़े हैं जहाँ धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे ब्लड में है। और ये गठबंधन अब बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो ये सोचना पड़ेगा कि 70 बरस तकरीबन हो गया आज़ादी के, सरकार ने 2011 में जनगणना भी कराई थी लेकिन उसका रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो ये जो प्रस्तावना है संविधान में, समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता, तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो इसकी समीक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना, कि भाई समता मिला कि नहीं, बंधुता आई कि नहीं, न्याय हुआ कि नहीं, स्वतंत्रता है कि नहीं। अब डर के मारे लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया में भी नहीं लिखते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, गाली पड़ते हैं, वो सारे लोग हैं, कई लोग ने अपना फेसबुक अकाउंट, तो क्या यह एक डेमोक्रेटिक नेशन है? क्या यह प्रजातांत्रिक राज्य है? और जो संविधान एक खाली दस्तावेज नहीं है, संविधान भारत का एकमात्र और पहला दस्तावेज है कि जो व्यक्ति को
प्रजा से नागरिक बनाता है। जब आप नागरिक होते हैं, नागरिक होने की बात करते हैं, तो जाहिर है कि आपको कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। तो बीच बीच में बहुत सारे लोग हैं, खासकर दक्षिणपंथी लोग हैं, वो संविधान समीक्षा की बात कर देते हैं, तो ये बेसिकली डराने के लिए करते हैं। और संविधान समीक्षा का अर्थ जो है वो आरक्षण की समीक्षा नहीं है। संविधान बहुत व्यापक चीज़ है, आरक्षण एक छोटा सा पहलू है। हमारे बहुत सारे अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो समीक्षा तो होनी चाहिए। कौन डरता है समीक्षा से? समीक्षा करें ना कि 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों हैं, ऊना में दलितों के पीठ पर डंडे क्यों पड़ते हैं, रोहित बमोला के गले में फंदा किसने डाला, विश्वविद्यालय में छात्रों को कौन निष्कासित कर रहा है, प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं है, गरीबी अमीरी एक हाई क्यों बढ़ते जा रही है, क्यों कुछ लोग के पास अकूत संपत्ति जमा हो गई है, इसकी समीक्षा करें। हम तो चाहते हैं समीक्षा हो, देश और समाज समीक्षा करें कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दलित और मुस्लिम, वंचित और आदिवासी, अगर ये मिला लें आप, तो जाहिर है महिलाएं भी हैं उसमें, और मिला दें तो आंकड़े अगर इकट्ठा करें तो सबसे ज़्यादा दमन, उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव का शिकार ये लोग हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न, अखबार और विश्वविद्यालय में जिस तरह से थोड़ा बहुत प्रजातंत्रीकरण हुआ है, गांव से चलकर दलित आदिवासी तमाम विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर कर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का रेलेवेंस बढ़ गया है, उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप आने वाले 5 से 10 साल में एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन आपको भारत भर में